हाँ भाई, ये सासें होती ही ऐसी हैं। अब मेरी सास को ही देख लो ना, पूरी आइटम है आइटम। अभी भी कान लगाकर, अरे आ गई है, बाय। हद हो गई बहू तेरे आलसीपन की। कल से तुझे कह रही हूँ कि मेरी कमीज की सिलाई उधड़ गई है, इसकी सिलाई लगा दे, लेकिन तुझसे इतना सा काम नहीं हुआ मेरा। अरे सासू माँ, अब मेरे पास टाइम ही कहाँ है। हाँ, सहेलियों के साथ टेलीफोन पर सास की चुगलियां खाने का टाइम तेरे पास है, 3 घंटे फिल्म में बर्बाद करने का टाइम तेरे पास है, पर मेरा काम करने का टाइम तेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ही सिलाई लगा लूंगी। अरे खैरिये सासू माँ। हाय सच, तूने मुझे रोक लिया ना जाने के लिए। बड़ी अच्छी बहू है मेरी प्यारी सी बहू, ये जल्दी से जाकर सिलाई लगा दे। अरे सासू माँ, मैं तो अपने भी 2 सूट आपको देना चाह रही थी, थोड़े से उधर गए हैं। अब आप अपने कुर्ते के साथ साथ उन्हें भी सिलाई लगा दीजिए। चलती हूँ सासू माँ। अरे बहू तू जीती रहे, तू मायके जा रही है ना, तो फिर दुखी क्यों हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ये दुनिया की पहली बहू देखी है जो मायके जाते हुए दुखी हो रही है। मैं खुश तो तब होती ना सासू माँ, जब आप मेरे मायके जाने पर दुखी होती, पर आप तो मेरे मायके जाने पर इतना खुश हो रही हैं। आपकी यही खुशी तो मुझे दुखी कर रही है। मेरी तो 4 दिन सुख चैन से भी। 4 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन। अरे 2 दिन ट्रेन में आने जाने की और 2 दिन तो तुम वहाँ रहेगी ना। इसीलिए मैं ट्रेन से नहीं प्लेन से जा रही हूँ, 2 घंटे आने के और 2 घंटे जाने के। और आप 4 दिन सुख चैन से रह पाएंगी, ये ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। बहू तू प्लेन से जा रही है, तुझे मालूम है पहली बार प्लेन से जाओ तो बहुत घबराहट होती है। है सासू माँ, इस घबराहट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब तुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो ना, तो तू रास्ते में ही कूद जा। ठीक है सासू माँ, मुझे ना हमारे झगड़े की वजह पता चल गई है। क्या वजह है? मैं एक वास्तुशास्त्री से मिली थी, उसने मुझे बताया कि हमारा ये जो घर है ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बना हुआ है, इसीलिए इस घर में सास और बहू के झगड़े होते हैं। क्यों ना हम अपना ये घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवा लें? पर उसमें तो बहुत तोड़फोड़ होगी, बहुत खर्चा होगा। अरे नहीं नहीं, तोड़फोड़ भी नहीं होगी, खर्चा भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा। कैसा फेर बदल? जो आपका बेडरूम है ना, वो किचन बन जाएगा, और मेरा बेडरूम बाथरूम बन जाएगा, और हमारा ये जो ड्राइंग रूम है ना, वो मेरा बेडरूम बन जाएगा। और मेरा बेडरूम कहाँ बनेगा? अरे जहाँ किचन है वहाँ आपका बेडरूम बनेगा, किचन में आपका बेडरूम, सिंपल। छोटे से किचन में मेरा बेडरूम बनेगा? लगता है मुझे तेरा दिमाग ठीक करना पड़ेगा वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन को अपना बेडरूम बना लेती तो हमारा झगड़ा फिर नहीं होता। अरे रोज रोज किचन में सोने की बजाय मुझे रोज रोज झगड़ा करना मंजूर है।